विंध की जमी पर दिन भर बिताने के बाद बुधवार सुबह भोपाल के लिए उड़ गए मुख्यमंत्री। देखिए रीवा दर्शन पर मुख्यमंत्री का रीवा दौरा विजय विश्वकर्मा के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। जैसा कि अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा रीवा में पहुंची, त्योथर से प्रारंभ हुई यह जन आशीर्वाद यात्रा सिमरिया और अलग अलग जगहों से होती हुई रीवा तक पहुंची और इनका भव्य स्वागत हुआ। जगह जगह पर फूल मालाओं के साथ लोगों ने इनका आशीर्वाद प्राप्त किया और आशीर्वाद भी दिया। जन आशीर्वाद यात्रा का जो मूल उद्देश्य था कि शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच जाना चाहते थे और जनता से अपने विकास कार्यों के साथ ही रूबरू होना चाहते थे। उन्होंने जो 15 वर्षों में किया वह कितना कारगर था और उसका क्या असर फील्ड में देखने को मिलता है। माननीय शिवराज सिंह चौहान, बस आपके बीच पढ़ाने वाले हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी रीवा के नगरवासी भारी तादाद से पूरे सैलाब के साथ जोश और खरोश के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाते हुए मुख्यमंत्री जी, शिवराज सिंह जी, हम सबके मुखिया और मध्य प्रदेश शासन के मुखिया का कारवा कुछ ही क्षणों में हमारे इस पंडाल में पहुंचने वाला है। बंधु, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा मजबूत होगी। बंधु, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी और मध्य प्रदेश शासन के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, नरेश सिंह चौहान, जनार्दन मिश्रा जी, हमारे इस भारतीय जनता पार्टी का कारवा के चरणों में हम सबके बीच पधारने वाला है। रीवा जिले में मध्य प्रदेश के मुखिया को देखने के लिए जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा, उसे देखकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। इस जन आशीर्वाद यात्रा को हमने करीब से देखा। हमारे न्यूज एडिटर जावेद अंसारी यात्रा के साथ मौजूद रहे, उन्होंने जगह जगह पर लोगों से चर्चा की और उनकी राय ली। आइए आपको ले चलते हैं सीधे जहां पर जावेद अंसारी कार्यकर्ताओं के साथ ही आम जन से रूबरू हो रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारी को लेकर। यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हैं, वो किस तरीके की उन्होंने तैयारी कर रखी, आइए सीधे चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या है तैयारियां, क्या कहते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जन आशीर्वाद योजना के तहत वार्ड क्रमांक 17-18 का सम्मिलित यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। मोर्चा के हमारे पदाधिकारी कार्यकर्तागण यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम लोग
बड़े उत्साह के साथ मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देंगे और आने वाले। आपका कहना है कि यहाँ पर काफ़ी अल्पसंख्यक इकट्ठा है, क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ काम किया है? अल्पसंख्यकों को जो चाहिए, 15 सालों से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, इस 15 सालों में उन्होंने काफ़ी कुछ दिया है, मुसलमानों के लिए किया भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा सुरक्षित 15 साल से मध्य प्रदेश रहा है। क्या लगता है आपको? जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि जो लोग सीएम सिंह की हर एक योजनाएँ अल्पसंख्यकों के लिए भी बहुत योजनाएँ चालू हैं, उनमें अल्पसंख्यकों को बेनिफिट मिल रहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जो आप लोग कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने 15 सालों में हर वर्ग के लिए हर चिंतन उन्होंने किया है और आज उनको लाभ मिल रहा है, इसलिए सब उत्साह के साथ उनका आज जन आशीर्वाद में स्वागत के लिए सब लोग जी जान से जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री बस पहुँचने ही वाले, किस तरीके से आपने स्वागत की तैयारी की है? फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, हमारे पास है क्या हम उनको देंगे, जो हमारे पास है जी जान, हमारी जान है, हम जान देने के लिए उनको तैयार हैं, अपनी जान निछावर करने के लिए हमारा मुख्यमंत्री रहे। हम तो कहते हैं 15 साल नहीं, 25 साल रहे, 25 साल जिंदाबाद। यहाँ के लोगों का साफ तौर से कहना है कि मुख्यमंत्री ने इतने सारे काम किए हैं कि मुख्यमंत्री को अगले 5 साल और सत्ता में रहना चाहिए। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। जी बिल्कुल, अभी जैसे कि दर्शकों ने देखा कि गुलफाम कॉम्प्लेक्स के सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दर्शन के लिए जिस तरह से जनसैलाब खड़ा था, अब आपको हम लिए चलते हैं साक्षी ज्वेलर के सामने, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दर्शन के लिए लोग खड़े हुए हैं। हम मौजूद हैं इस समय शिल्पी प्लाजा के पास, बस यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बस कुछ ही पलों में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, उनके स्वागत की यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। आइए लोगों से बातचीत करते हैं, उन्हें किस तरीके की तैयारी कर रखी है, किस तरीके की तैयारी है आपकी? बहुत अच्छी तैयारी है, अग्रवाल समाज की तरफ से यहाँ हम सब स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, काफ़ी लोगों में उत्साह है, माननीय शिवराज सिंह चौहान के स्वागत। क्या कहेंगे आप? यहाँ पर तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है, शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है, उसके कारण सारी जनता उनसे बहुत प्यार करती है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका स्वागत करने के लिए तैयार। जैसे आप कह रहे हैं कि प्रदेश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, क्या आपको वाकई लगता है प्रदेश ने उन्नति की? अपना रीवा देख लीजिए, सारी चीज़ें देखने में आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगी कि विकास कहाँ हो रहा है। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, रीवा में विकास तो हुआ है और जोरों से विकास हुआ है, विकास बोल रहा है, विकास जैसा कह रहे हैं विकास बोल रहा है, रीवा का संपूर्ण विकास, विकास ही सब कुछ हमारे रीवा का, और माननीय राजेश शुक्ला जी के नेतृत्व में जबरदस्त रीवा का विकास हो रहा है। जय भारत। आपका कहना तो सही है कि रीवा में विकास आज 15 साल पहले देख लीजिए और आज 15 साल के बाद में रीवा देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है, इस बार 200 के पार। एक मिनट सर, रीवा को विकास पथ पर आगे बढ़ाया राजेंद्र ने, मुखिया का जो काम है वह कर दिखाया राजेंद्र। आप कह रहे हैं मुखिया का काम करके दिखाया विकास राजेंद्र, यहाँ पर केवल और केवल बात विकास की हो रही है, विकास की बात हो रही है निश्चित रूप से, यहाँ पर आपका कहना है विकास दिख रहा है। यहाँ पर हमारे साथ काफी व्यापारी थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा विकास हुआ है। शिल्पी प्लाजा के सामने सराफा मंडल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत करने के लिए कुछ अनूठे तरीके से स्वागत की रूपरेखा बनाई थी। यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ ही यहाँ पर एक झांकियां बनाई गई थी, छोटी छोटी बच्चियों को जिस तरह से सजा कर रखा गया था, एक ड्रेसअप किया गया था कि लोगों को मैसेज मिल सके कि बेटी किसी भी मायने में बच्चों से बेटों से कम नहीं है। आइए आपको लिए चलते हैं शिल्पी प्लाजा, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए सराफा मंडल के ये कार्यकर्ता मौजूद हैं। हम इस समय मौजूद हैं शिल्पी प्लाजा में, शिल्पी प्लाजा रीवा का सबसे व्यस्त बाजार, यहां पर के व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के स्वागत की कुछ खास तैयारी कर रखी है। आइए सीधे उनसे बात करते हैं उन्होंने किस तरीके की आप। हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि रीवा टेलर्स एसोसिएशन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए कुछ हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं, उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं और जो उपलब्धियां हैं उनसे हम प्रभावित होंगे, उनका स्वागत कर रहे हैं। क्या है स्वागत की खास तैयारी? देखिए, हमारा सबसे पहले तो मकसद है कि एक अच्छा संदेश हम समाज को दें,
हम लोग की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग एक सिविलाइज है और इसके नाते हमारा एक संदेश है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारे सरकार इस समय एक चला रही है, तो उसके तहत हम लोगों ने ये मुहिम बना रखी है। इसमें ये बेटियां हैं जो उन उन्नत भारत देश का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसमें बच्चे आगे बढ़ के और उन्नत होकर एक अच्छे काम में आगे आते हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले अपने रीवा में प्रदेश के मुख्यमंत्री पधार रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और पहला रोड शो है ये और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका स्वागत सभी सराफा एसोसिएशन की तरफ से हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से और उनको एक संदेश दे रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और उन्होंने और इस सरकार ने प्रयास किया है कि महिला और पुरुष को एक समान एक ही धारा में लाने का प्रयास किया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। जो उन्होंने व्यापारी वर्ग के लिए गरीब वर्ग के लिए जो भी तैयारियाँ की हैं उससे पूरा भी नहीं। क्या कहेंगे आप? के लिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से सुविधाएं दी जा रही है और बेटियों के लिए जितने भी कार्ड हैं बदलनी है और हम इसलिए आए इकट्ठे हुए हैं ज्वेलर्स उनके स्वागत के लिए और हम चाहते हुए आए स्वागत करें। दिख रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर यहाँ के ज्वेलर्स काफ़ी प्रभावित हैं और इसी को लेकर उन्होंने एक संदेश देता हुआ यहाँ पर कुछ छोटी बच्चियों को भी बैठा रखा है और मुख्यमंत्री की वो इस सबसे महत्वाकांक्षी योजना से काफ़ी प्रभावित दिख रहे हैं। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, देश के राज्य
सांसद यमुना प्रसाद शास्त्री जी के साथी। आइए उनसे बात करते हैं, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को किस नजरिए से देखते हैं बताएं। मुख्यमंत्री का यह कार्यक्रम जो जन आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम आचार संहिता लगने के बाद रीवा जिले में प्रवेश किया है, निश्चित तौर पर इसकी आंधी में सारे विरोधी दल उड़ जाएंगे। आप चारों तरफ देख सकते हैं, जहां से जन आशीर्वाद यात्रा त्योंथर में प्रवेश करी है वहां से लेकर त्योंथर सिरमौर सिमरिया होते हुए यह जन आशीर्वाद यात्रा रीवा पहुंची है। और आप चारों तरफ से देख सकते हैं कि जन सैलाब भारी से भारी मात्रा में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए उमड़ चुका है। हर गली हर मोहल्ले में सिर्फ और सिर्फ जनता दिखाई दे रही है, भाजपा के समर्थक दिखाई दे रहे हैं और निश्चित तौर पर इस बार हम अब की बार 200 पार का नारा पूर्ण करके दिखाएंगे। जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जैसा कि अभी आपने कहा, अब की बार हम 200 पार का नारा पूर्ण करके दिखाएंगे। मेरे पीछे मुख्यमंत्री का काफिला बिल्कुल पहुंच चुका है, हम उस काफिले को लगातार कवर कर रहे हैं। यहां पर हम सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोगों से बात कर रहे हैं, आगे भी हम इस खबर पर पूरी नज़र रखेंगे। रीवा दर्शन की मैं जावेद हेमल। चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा का शिल्पी प्लाजा में जिस तरह से भव्य स्वागत हुआ, उसके बाद हम आपको लिए चलते हैं आगे, जहां प्रकाश चौराहा में सतीश सोनी के नेतृत्व में कई कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, अपनी आंखें बिछाए हुए हैं कि कब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया जा सके। हम इस समय मौजूद है रीवा शहर के प्रकाश चौराहे में। यहाँ पर नगर निगम अध्यक्ष सतीश सोनी जी की अगुवाई में काफ़ी लोग इकट्ठा हैं। मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा की स्वागत की तैयारियों को उन्होंने अंतिम रूप दे दिया है, बस कुछ ही पलों में यहां पर मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। आइए सीधे सतीश सोनी जी से बात करते हैं, उन्होंने क्या खास तैयारी कर रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी रीवा में प्रवेश करने वाले हैं। अब प्रवेश जैसे ही यहाँ पर प्रकाश चौराहे में आएंगे तो पूरी पब्लिक गुलाबों से, फूलों से, गुब्बारों से हम लोग स्वागत करेंगे और ये चाहेंगे कि रीवा की पूरी जिले की 8 सीट हम लोग भाजपा भारतीय जनता पार्टी जीते, हम लोग की यही मेहनत रहेगी। चलिए ठीक है, और बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहेंगे आप। जंग का ऐलान हो चुका है और हम सब तैयार बैठे हुए हैं और जंग? इस जंग को जीतने के लिए। क्या कहेंगे आप? जीतना है बस इस बार, अब की बार 200 पार। इस बार अपनी सरकार पहले से और ज़्यादा बहुमत से आएगी, हमारा संकल्प। शिवराज सिंह अब की बार 200 पार। हमारे रीवा में विकास की गंगा आ रही है, विकास की गंगा को स्वागत करने के लिए हम लोग सभी कार्यकर्ता बंधु भारतीय जनता पार्टी जो मुख्यमंत्री जी का जन आशीर्वाद की यात्रा है, विकास की जन आशीर्वाद की यात्रा। जन आशीर्वाद यात्रा में हम माननीय मंत्री जी का स्वागत करने के लिए भारतीय संयोजन आप यहाँ पर आता जी बल्दी हम बोल दी पांच खाली भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह के नेतृत्व में जो सरकार है इतने बेहतरीन काम कर रही है, बेहतरीन नीतियों के समर्थन में हम लोग उनके स्वागत में खड़े हुए। जैसा कि यहाँ पर साफ तौर से लोगों का कहना है, मुख्यमंत्री ने बेहतरीन काम किया, उनके एक अच्छे काम को देखते हुए यहाँ पर वो लोग उनके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा का जिस तरह से लोग स्वागत कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये जनता का आशीर्वाद है कि अपने चहेते के लिए लोग खड़े हैं। सड़कों पर लोगों का हुजूम चल रहा है, आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रथ में किस तरह से लोग आगे पीछे घूम रहे हैं और उनके दर्शन के लिए
टकटकी लगाए हुए हैं। अब आपको हम लिए चलते हैं स्टेचू चौराहा, जहां पर उनके स्वागत के लिए अलग तरीके से यहां पर किस तरह से शिव रूपों के साथी लोग अलग अलग मुखौटों में खड़े होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। हम इस समय मौजूद हैं रीवा शहर के सबसे व्यस्ततम बाजार में। यहाँ पर इसको स्टैचू चौराहा कहा जाता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कर्मठ कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उन्होंने क्या खास तैयारी कर रखी है, क्या ही खास आपके लिए क्या तैयारी आज के लिए। आज के लिए माननीय मुख्यमंत्री के लिए जो मध्य प्रदेश बात कर रहे हैं, किस तरीके का विकास की बात है और क्या लग रहा है आपको कि इस बार क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से बनी है तब से अब रीवा या मध्य प्रदेश का विकास निरंतर हो रहा है और मध्य प्रदेश के विकास को झुठलाया भी नहीं जा सकता। इसी सब उन्हीं सब तारतम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी जनता के बीच अपने विकास के कामों को लेकर जनता के बीच विकास के काम को लेकर आ रहे हैं। क्या है आपका? बीच आ रहे हैं आदरणीय प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी। मैं उनके विचार के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनका स्वागत के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये जो मध्य प्रदेश में पूरा विकास की गंगा बहा दिए हैं, विकास की गंगा वही है और इसे आम जनता स्वीकार करती है। हम तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हैं, हम तो मानते ही हैं, जनता मानती है इस बात को कि विकास हुआ है। जैसा कि यहाँ पर साफ तौर से लोगों का कहना है, रीवा शहर में विकास की गंगा बही है, विकास की गंगा बही है, इसलिए हम मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रीवा में भव्य स्वागत हो रहा है। ढेकहा में जहां पर भाजपा कार्यालय के सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए, यहां कार्यकर्ताओं के साथ ही आम जन काफी संख्या में मौजूद रहे और मुख्यमंत्री शिवराज के नारों से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा। यहां पर फूल वर्षा की और जगह जगह पर लोग फूलों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वर्षा करते रहे। जैसा कि आप मेरे पीछे ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंच चुकी है। जन आशीर्वाद यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के जोश खरोश के साथ यहां पर उनके स्वागत में लगे हुए हैं। लगातार यहां पर बातचीत जो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या कहना है आपका? आज रीवा शहर का पूरा जनसमूह उमड़ पड़ा है अपने प्यारे मुख्यमंत्री को, अपने प्रिय मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। माननीय शिवराज जी ने जो काम किया है, नीचे जमीन स्तर तक के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए, वो आज सारे के सारे लोग मैदान पे उतर आए उनके स्वागत के लिए। आप उनके लाडले नेता का स्वागत करके ये दर्शाना चाहते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में 200 पार करके कांग्रेस को जनता नाबूद करने का काम ये लोग करेंगे जिनके लिए शिवराज जी ने गरीबों के लिए काम किया है। आज़ादी के बाद करके आज तक गरीबों के लिए अगर कोई काम किया है तो सर
नहीं किया जा सकता है। चाहे भी सुस्तरी सोलर पावर प्लांट हो, चाहे सफेद शेर की वापसी का मामला हो, चाहे क्या कहते हैं नेशनल हाईवे में जो विश्व स्तरीय रोड का निर्माण हो, इन सब चीज़ों को जनता को देख के भरोसा हो गया है कि अब इस देश का कायाकल्प और देश का विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। साफ तौर से बता रहे हैं इस बार हम पूरे शहर की शक्ल सूरत बदल देंगे। विकास का बोल रहा है रीवा दर्शन की मैं जावेद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रही, और जब साधना सिंह की बात हो तो महिला मोर्चा कहां भुलाया जा सकता है। महिला मोर्चा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए खड़ी रही, और वो कलेक्ट्रेट के सामने अपना पंडाल लगाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दर्शन और उनसे मिलने के लिए यहां पर स्वागत के लिए पूरी तरह से तत्पर रही है। आइए चलते हैं आपको कलेक्ट्रेट के सामने लेकर, जहां पर महिला मोर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दर्शन के लिए, आशीर्वाद देने के लिए और उनके साथ बढ़ने के लिए खड़ी हुई है। हम इस समय मौजूद हैं रीवा के कलेक्ट्रेट के सामने। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का महिला विंग काफी तादाद में मौजूद है। यहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री के जन आशीर्वाद यात्रा की स्वागत की तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री का काफिला छोटी पुल पर पहुंच चुका है, बस कुछ ही लम्हों में वो यहां पर पहुंचने वाले। आइए बात करते हैं उन्होंने स्वागत की क्या खास तैयारी कर, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी के स्वागत में महिला बहने, महिला मोर्चे के अध्यक्ष मनीषा और सभी वरिष्ठ, ज़्यादा आवाज़ तो नहीं है, हमारी अंजू मिश्रा जी सब यहाँ पर उनके स्वागत के लिए बहुत देर से खड़ी हैं, अच्छी तैयारी कर रखी है। मुख्यमंत्री के किन मुद्दों पर लेकर आप उनके से प्रभावित हैं और क्या स्वागत करेंगी आप? हम उनकी महिला बहनों के लिए जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं उनसे हम बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि बचपन से लेकर मृत्यु तक के लिए हमारा ख्याल रखा है उन्होंने, और सबसे ज़्यादा योजनाएं हम बहनों के लिए बनाई हैं, इसलिए हम प्रभावित हैं। और हम सभी बहनों ने ठानी है कि हम उनके आशीर्वाद के रूप में अपना पूरा समर्थन देंगे, और हम सब घर घर जाएंगे और अलग जगाएंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और अब की बार 200 पार जो नारा है उसे सरकार बनाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम सभी पहले यहाँ पे आए हैं, और हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष वो है कि जो उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्हें फास्ट ट्रैक को लाया, इसको लेकर हम सभी महिलाएं बहुत खुश हैं। उन्होंने एक 12 साल की कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप का जो मामला आया था उन्होंने उसके लिए फांसी की सजा जो दी है, इससे सभी महिलाओं की सम्मान की बात है, और हम अपने मुख्यमंत्री जी के उनको यहाँ पर आभार और स्वागत करने के लिए योजना है संबल योजना, उसके अंतर्गत उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं है, और उन्होंने हर वर्ग के व्यक्ति के लिए चिंता की है, इसलिए हम सभी देश की आधी आबादी उनका स्वागत बंधन अभिनंदन करते हैं, और पूना चौथी बार हम सभी बहने मिलकर पूना चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज हम मंत्री जी का स्वागत बहन करते हैं। उन्होंने जो उज्ज्वला योजना बनाई है बहनों के लिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बहन जो चूल्हे में खाना बनाती थी और उन्हें इतना दुख भोगना पड़ता था, अब मुख्यमंत्री जी ने हर महिलाओं को योजनाओं के बारे में जो उज्ज्वला योजना ने दी है उन्हें सब बहनें खुश हैं। हम उन्हें इस जन यात्रा में हम बहनें भागीदारी हैं और उनका स्वागत करते हैं, बंधन अभिनंदन। जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार आई है तब से महिलाओं के लिए योजनाओं की गंगा बहाई है। भारत का पहला प्रदेश है जहाँ पे बलात्कार होने पर हमारा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विधेयक पारित किया है फांसी की सजा होने का, ये ऐतिहासिक फैसला है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। उससे जो है तो अपराध कम होंगे और अपराधियों को जो है डर रहेगा दिल में कि हम इस तरीके के घिनौने अपराध ना करें। इस बार 200 पार हमारी महिला बहनें कहती हैं कि मुझसे है संसार, हम बनाएंगे बीजेपी सरकार। हमारी सरकार ये है कि हमारे रेखा पांडे को जमीन नहीं है, घर नहीं है, भूखी मरीज को मकान देने के महान गरीब गाँव का मुख्यमंत्री जी, हम सब बहनों के लिए चिंता तो की ही है, संगठन ने भी 21% का आरक्षण दिया है ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, हम बहनों की चिंता करते हुए सबको आगे आने का अवसर दिया है, हम लोग बहुत उनका दिल से तहे दिल से स्वागत और वंदन अभिनंदन करते हैं।
निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जगह जगह पर भव्य स्वागत हो रहा है। इसी कड़ी में हम आपको लेकर चलते हैं काले चौराहे में, जहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दर्शन के लिए, आशीर्वाद देने के लिए खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा रीवा के पुराने बस स्टैंड पर पहुंच चुकी है। बहुत जल्दी वो यहां पर काले चौराहे पर पहुंचने वाली है। यहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम काफ़ी तादाद में अपने मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। आइए बात करते हैं, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के स्वागत की किस तरीके से तैयारी कर रखी है, क्या कहेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री के जन आशीर्वाद यात्रा के लिए हम लोगों ने ऐतिहासिक स्वागत के लिए वार्ड क्रमांक 7, 8, 9, 10, 11 और 12, वार्ड क्रमांक 12, 14, 16 की जनता यहाँ पे उनके आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐतिहासिक मतों से बनने जा रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने जो यहाँ पे विकास किया है और जिस कारण से पूरे यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हुई है, वो उनके विकास कार्यों के लिए आशीर्वाद देना चाहती है कि हमको आपसे बहुत सहयोग मिला। विकास कार्यों को आशीर्वाद देने के लिए आप इकट्ठे? हाँ, माननीय मंत्री जी को इस बार रिकॉर्ड मतों से जनता जिताएगी। वो आप जनता के खुद देख रहे हैं कि जन सैलाब उमड़ा हुआ है ना जी। मंत्री राजेंद्र शुक्ला शिवराज सिंह मामा की तरफ से हम लोग पूरे देश के पूरे रीवा जिला के वासियों के जनता का अतिथि हुए हैं कि हमारे देश को हमारे विकास आगे बढ़ा। चौथी बार राजेंद्र शुक्ला जी को मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, शिवराज सिंह भैया को एक बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जैसा कि आपने सुना, अब की बार चौथी बार, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में चौथी बार सरकार बनाने के लिए यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हैं रीवा दर्शन के लिए। मैं जावेद अंसारी। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में होने के बाद रीवा में, रीवा के पद्मधर पार्क में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर जनता को 15 सालों का लेखा जोखा बताया और साथ ही जनता से यह भी कहा कि उन्हें चौथी बार फिर प्रदेश पर लेकर आए ताकि प्रदेश का विकास हो सके और नई योजनाएं यहां पर लेकर आ सके, क्योंकि उन्होंने सभी वर्ग के लिए काम किया है और सर्वहारा वर्ग के लिए योजनाएं बनाई हैं जिससे देश का विकास हो रहा है, प्रदेश का विकास हो रहा है और अपने शहर का विकास हो रहा है। सभी को पक्के मकान मिल रहे हैं, गरीबों के पास रोजगार के साधन है समेत कई सारी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं चल रही हैं ताकि एक गरीब से गरीब निर्धन व्यक्ति भी सरकार की योजनाओं का लाभ पा सके। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये जन आशीर्वाद यात्रा रीवा में सफल। रीवा में नहीं, संपूर्ण रीवा जिले में काम हुआ है, मध्य प्रदेश में काम हुआ है, विंध्य की धारा पर काम हुआ है और आज राजेंद्र जी आपने जो अपेक्षा व्यक्त की है, एक दिन आएगा रीवा इंदौर और भोपाल से भी आगे निकल जाएगा, यह असंभव नहीं है। इंदौर संभव करके दिखाएंगे। सरकार काहे की नहीं होती मेरे बहन और भाइयों, सरकार इसलिए नहीं होती कि सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठ के केवल राजाओं की तरह हम केवल विदेश में। मैंने कभी अपने आप को मालिक नहीं माना मेरे बहन और भाइयों, मैं तो अपने मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का विनम्र सेवक रहा हूँ। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मैंने तो अपने जनता के सेवक के रूप में सेवा करने का काम किया है। स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, पुल बनाए, बाईपास बनाए, सड़कें बनाई, बांध बनाए, बिजली लाए। अरे याद करो दीवा वालों, 2003 के पहले का वो भयावह काले दिन
जब बिजली के अते पके नहीं हुआ करते थे, शहरों की हालत ये थी कि गर्मी के दिनों में रात को रात रात भर बिजली नहीं आती थी, तो मच्छरों से कोई बचाव नहीं होता था। टट्टी और बनियान में टावे लपेट के रीवा की सड़कों में जनता को घूमना पड़ता था, रात रात भर सो नहीं पाते थे। याद है कि भूल गए बहनों और भाइयों? अरे जोर से बोलो, याद है कि भूल गए? मेरे छोटे छोटे बेटा बेटी को तो पता नहीं, क्योंकि वो तो मामा के राज में पैदा हुए। कुल 2900 मेगावाट बिजली थी, बिजली की उपलब्धता 2900 मेगावाट। रीवा वालों, आज 18,800 मेगावाट बिजली बना के मध्य प्रदेश की जनता को दे दी है। 18,800। और रीवा की सोलर प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। और आज कह रहा हूँ, नोट कर लेना रीवा वालों, पत्रकार मित्रों, मेरा संकल्प है इस दिवाली के दिन तक मध्य प्रदेश का कोई घर अंधेरा नहीं रहने दूंगा। हर झोपड़ी और टपरिया में रोशनी होगी, कोई घर बिना बिजली के नहीं बचेगा। हर घर बिजली, घर घर बिजली, उस अभियान में मैं लगा हूँ। उनके राज में पानी नहीं, उनके राज में बिजली नहीं, उनके राज में सड़कें नहीं। तबाह तुमने कांग्रेसियों मध्य प्रदेश को कर दिया था, बर्बाद तुमने कांग्रेसियों मध्य प्रदेश को कर दिया था। उस मध्य प्रदेश को फिर से सजाने संवारने का काम किया था। बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और गौ रक्षा के लिए गौ संरक्षण मंत्रालय अलग बनाकर गौ माता की भी पूरी सेवा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। जनता को अपना भगवान मानने वाले मध्य प्रदेश के पुजारी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को रीवा की जनता अपने बीच पाकर अत्यंत उत्साहित, आभारित और प्रफुल्लित है। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज के इस भव्य कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए आभार। हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए रीवा दर्शन। नमस्कार।